तो फाइनली मैंने उस मोतियाबिंद को ढूंढ निकाला है, और उसके आते ही देखो दिन रात कितना फास्ट फास्ट सब कुछ हो रहा है। चलो उससे अभी हेड ऑन फाइट लेते हैं और उसको हरा के हम अपने वर्ल्ड में वापस जाते हैं। वो अभी इस बक्से के पीछे है। चलो ये देखो, अरे ये क्या था? तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ये मोतियाबिंद हमें किडनैप करके लाके उसके वर्ल्ड में कैद करके रखता है। जो लोग नहीं देखे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके पहला पार्ट देख सकते हो इसका। तो आज के इस वीडियो में हम उसको हराएंगे और हमारे वर्ल्ड में वापस जाएंगे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो जैसे ही मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ता हूँ, मुझे ये डोर और ये प्रेशर प्लेट मिलता है। मुझे पता नहीं इसका क्या काम है। चलो अंदर चल के। अबे ये क्या है भाई, मैं तो इसके अंदर फंस गया भाई। इसके अंदर से कैसे निकलूं अब? हेलो, अबे भाई ये क्या है भाई? ऐसे अगर ट्रैप कर लोगे तो मैं क्या करूँगा? बाहर भी नहीं जा सकता मैं अभी। थोड़ी देर के लिए डोर खुला था अभी, अबे फिर से खुला था। अबे भाई खुल जा डोर भाई। ऐसे तो मारना तक तो ठीक था, मार लेते तो मैं रिस्पॉन हो जाता, पर इसके अंदर ट्रैप करेंगे तो भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता भाई। ये बहुत खतरनाक चीज़ था यार। तो अभी मैं उस मोतियाबिंद से फाइट लेने के लिए आर्मर वगैरह एन्चेंटेड ढूंढ रहा था, और तभी मुझे मिलता है ये गार्डियन भाई। इससे मेरे को ज़्यादा खतरा नहीं है, पर ये एक इफेक्ट देता है, मतलब पॉइजन जैसा होता है, एक इफेक्ट होता है जिससे तुम माइनिंग नहीं कर सकते। माइनिंग क्या, कोई ब्लॉक भी नहीं तोड़ सकते तुम, कोई भी ब्लॉक नहीं तोड़ सकते भाई। ये अभी इफेक्ट ऑन हो चुका है मेरा। मैं सोच रहा था कि गोल्डन एप्पल खा के ये इफेक्ट कम हो सकता है क्या, पर नहीं, ये नहीं जाने वाला। इसके लिए अभी मुझे वेट करना पड़ेगा। कितना मिनट तक टाइम होता है, वेट करना पड़ेगा, तब तक इसको मारते हैं भाई। इसके वजह से अभी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अभी ये मोतियाबिंद मेरे को मारना नहीं चाह रहा, ये चाह रहा है कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए फंसा रहूँ। इसीलिए ये ट्रैप डोर वगैरह और ये माइनिंग ना कर पाने वाला इफेक्ट वगैरह दे रहा है मेरे को, जैसे कि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए फंसा रहूँ। पर नहीं, मैं जैसे ही ये टाइम ख़त्म होगा मैं फिर से उसे ढूंढना चालू कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे घूमते घूमते ये शिप को देख के मेरे दिमाग में एक मस्त प्लान आता है। मैं सोचता हूँ कि इसे व्हीट दिखा के इसके अंदर फंसा दूँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये अभी यहाँ पे परमानेंटली फंस चुका है, देख रहे हो भाई कितना खतरनाक दिमाग है मेरा। One eternity later. तो अभी मेरा माइनिंग फैटिक इफेक्ट चला गया है, तो मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को थोड़ा मेरे हथियारों का जलवा दिखा दूँ। तो ये देखो मेरे हाथ में अभी जो ये वाला तलवार है, इसे पकड़ने से तुम्हारे आसपास जितने भी मॉब होंगे वो सब जलने लगेंगे। इस हथियार का नाम क्या है पता नहीं, फिर भी मैं इसे बोलूँगा आगम आग तलवार। तो अभी यहाँ पे मेरे हथियारों का टेस्ट ड्राइव करने के बाद मैं फिर से ढूंढने लगता हूँ उस मोतियाबिंद चाचा को। पर ये क्या मिलता है मुझे? ये चारों तरफ लाभा है और मैं बीच में फंस चुका हूँ। अच्छा हुआ कि मेरे पास गोल्डन एप्पल वाला एन्चेंटमेंट था, तो मुझे आग नहीं लगता और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ आराम से। तो अभी मेरे पास उतना सामान तो हो चुका है कि मैं उस मोतियाबिंद चाचे से फाइट ले सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा और ब्लॉक तोड़ता हूँ इस उम्मीद में कि क्या पता वो यहीं पर मिल जाए, और सच्ची में वो यहीं पर मिल जाता है। पर देखो चाचा जी का बैड लक ही खराब था। मैं जैसे ही उनका साइड वाला ब्लॉक तोड़ता हूँ, वहाँ पे एक मतलब एक घर जैसा कुछ स्पॉन हो जाता है और वो उसके ब्लॉक के अंदर फंस जाते हैं, जिसके चलते उनका लाइफ भी जा रहा है बार बार। मतलब देखो लगातार उसका लाइफ चला ही जा रहा है, और यहाँ पे मतलब उसके चलते रात दिन भी बहुत तेज तेज हो रहा है। और ये देखो भाई पीछे आंधी की बारिश चल रही है, और ये बिजली भी भाई क्या ही कड़क रही है। और ये आंधी अगर मेरे सर पर गिरता तो मैं एक ही बार में ख़त्म हो जाता। थोड़ा उससे पहले फाइट ले, थोड़ा गोल्डन एप्पल खा लेते हैं। और ये देखो ये हस्क वगैरह क्रीपर वगैरह उसी का ही मतलब वो ही स्पॉन कर रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, ये टिंगू विंगू से तो मैं फाइट कर लूँगा आराम से। तो चलो उससे मतलब उससे मैं ऐसे मरने नहीं दे सकता, उससे मैं हेड ऑन फाइट लूँगा। तब से इंतज़ार कर रहा था उसका भाई। ये घर के अंदर बंद होके नहीं मर सकता वो, मैं अभी घर तोड़ के उसे निकालूँगा उसके अंदर से। पर यार बात ऐसा है कि इसके ये वाले ब्लॉक के पास ही जब मैं जाता हूँ ये फटने लगता है। अभी देखो मैं उसके उसके घर के पास जाऊँगा, घर तो नहीं वो जहाँ पे है उसके पास जाऊँगा तो वो वहाँ पे फटने लगे। अरे यहाँ पे भी फट रहा है भाई, क्या चल रहा है ये? और ये टिंगू मिंगू ज़ॉम्बी आ रखे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आके पहुँच चुका हूँ, और जैसे ही मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ता हूँ यहाँ पे ब्लास्ट होने लगता है, मतलब लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, और यहाँ से वो फैंटम भी स्पॉन करने लगता है भाई। ये फैंटम वगैरह बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं ये लोग। तो पहले चलो इनसे निपट लेते हैं, फिर चलते हैं उस मोतियाबिंद से फाइट लेने। तो अभी मैं फैंटम से तो निपट चुका हूँ, और मैं अभी जा रहा हूँ उसके पास, पर रास्ते में ये क्रीपर फट जाता है। ये मतलब मामूली क्रीपर नहीं था, ये जो होते हैं ना इलेक्ट्रिक क्रीपर वगैरह जैसा कुछ होते हैं वैसा,
वही था ये, मतलब बहुत जोर फटता है, मैं ख़त्म हो जाता हूँ एक ही बार में। तो चलो रिस्पॉन्ड होके पहले सामान कलेक्ट कर लेते हैं, मेरे आंखों के सामने वो था। तो इस बार तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, मैंने उसके पूरे आर्मी को ख़त्म कर दिया है और मेरे पास मेरे सामान भी वापस आ चुके हैं सब। और अच्छा हुआ कि वो इसके अंदर फंसा है, देखो फंसा है फिर भी फैंटम स्पॉन कर रहा है। उसको पहले गोल्डन एप्पल खा लेते हैं, क्या पता बाहर से आके दो फटका देगा मैं ख़त्म हो जाऊँगा। अच्छा हुआ कि अंदर है इसीलिए मारने में आसानी हो रहा है। तो बेचारे चाचा जी तो अंदर फंसे हैं, उनको चिढ़ाने के लिए मैं थोड़ा अभी स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ एक। भाई ये स्क्रीनशॉट मैं सभी जगह स्टोरी में डालूंगा। बेचारा हीरो ब्राइन भाई अंदर है इतना डैमेज दे रहा है, भाई बाहर होता तो मुझे पास भी जाने नहीं देता शायद। तो फाइनली हीरो ब्राइन ख़त्म हो चुका है और मैं अभी अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं मेरे सर्वाइवल सीरीज फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दो और मैं चलता हूँ थोड़ा रेस्ट लेने, मतलब मेरे हाथ कांप रहे हैं।